हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी ह्यूमन सेटलमेंट। टॉपिक इज रूरल सेटलमेंट पैटर्न। यू नो बिफोर इट वी स्टडीड व्हाट आर द रूरल प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच सपोर्ट द रूरल सेटलमेंट, दैट इज फर्स्ट वाटर सप्लाई, वी स्टडीड लैंड एरिया, अपलैंड एरिया, बिल्डिंग मटेरियल, डिफेंस also important factor to support rural settlement, thereafter plant settlement also very crucial to support rural areas settlement. Okay, now we will study rural settlement pattern. Rural settlement pattern kya hai? It means so many patterns can be seen in the rural areas according to the requirement of the people wherever they are living in the relief features, either the mountainous region, plateau region, plain areas, according to which they are dealing, they make houses and what are the occupational structure, in which field they are working the primary activities, secondary activities or service sector, according to which they make their houses. So first we will study on the basis of setting kya hai, it means where they are setting, where they are living, where they are residing. प्लेटो पर मकान है, प्लेन एरिया पर है, डेजर्ट एरिया पर है एंड माउंटेनियस रीजन पे है। यू नो वेरी वेल इफ दे आर लिविंग ऑन द माउंटेनियस रीजन, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर कंडीशंस ऑन द माउंटेन रीजन, दे विल मेक देयर हाउसेस। इफ एनीवन इज रिजाइडिंग ऑन प्लेन एरिया, सो अकॉर्डिंग टू प्लेन एरियाज एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेन एरियाज फॉर हाउसेस एंड विच काइंड ऑफ हाउस विल बी सुइटेबल, they will make the houses. So this is the basis of setting. Second one, on the basis of functions, on the basis of functions, function kya hai, it means function ke according kis tarah ki functioning karte hain log, it means they are farmers and engaged in the farming areas, also they are opening their इंडस्ट्री, वर्कशॉप, प्लम्बर, लंबर, कारपेंटर, क्राफ्टमैन, आर्टिसन, अकॉर्डिंग टू विच दे कैन मेक देयर हाउसेस और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने हाउसेस बनाते हैं। इट मीन्स बेसिस ऑफ द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सोसाइटी, लोगों का अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना हाउस बनाते हैं। नेक्स्ट थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, on the basis of forms, which kind of form, it means shape of the settlement or shapes, it means form or shape, aakriti kya hai, form kya hai, roop kya hai, according to which they can make their houses. It means they may be a number of geographical form, shape such as the linear, rectangular, star shape, T shape, Y shape. इसके अकॉर्डिंग भी अपने मकान बनाते हैं। सो बिल्डिंग्स एंड हाउसेज कैन बी सीन इन द फॉर्म्स एंड शेप अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो अपना घर मकान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रेलवे लाइन अकॉर्डिंग टू विच दे कैन सेटल देयर हाउस अलोंग साइड ऑफ रेलवे। लोग अपने घर मकान इस रेलवे के दोनों तरफ बना सकते हैं। लाइकवाइज दिस इज द हाईवे, ये हाईवे है, अलोंग साइड ऑफ हाईवे दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस। सो दिस पैटर्न इज नॉन लीनियर पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न जाना जाता है, लीनियर पैटर्न। एंड लाइकवाइज वन मोर, दिस इज द मेन एंड वन अनदर रोड इज जॉइंट टू और राइट एंगल, इट मीन्स ये रोड यहाँ पर राइट एंगल पर ज्वाइन करना है, राइट एंगल बनना है, दैट इज द टी शेप। इसको क्या कहा जाएगा, ये टी शेप कहा जाएगा। लाइकवाइज टू रोड्स, इट मीन्स टू रोड्स ज्वाइन ऑन ए प्लेस, ये दो रोड्स हैं, ये फर्स्ट रोड है, ये सेकेंड रोड है, बोथ रोड्स ज्वाइन ऑन ए प्लेस, ये यहाँ पर जाकर के एक प्लेस पर ज्वाइन कर लेते हैं, मर्ज इनटू अ सिंगल
या व्यक्ति मर हो जाते हैं, सच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर नॉन वाई सेट। इसको क्या कहेंगे? इसको वाई सेट कहते हैं। सो वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेल। हमने ये बेसिस ऑफ फॉर्म एंड शेल के आधार पर स्टडी किया है। दीज आर द इम्पोर्टेंट शेल्स व्हाट एवर वी स्टडी। आई होप दैट इट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट लीनियर पैटर्न। ओके, लीनियर पैटर्न, व्हाट इज द लीनियर पैटर्न? फर्स्ट वी स्टडी लीनियर, लीनियर पैटर्न करो। Already I told about the linear. It means in a straight line, alongside of roads, alongside of railways. That is the linear. Second one, rectangular. It means roads are constructed. Road are constructed in the shape of rectangle. इस rectangular shape के road constructed होते हैं and alongside of roads. Suppose that this is the road. And alongside of roads, the settlements could be seen. Okay, so this is the rectangular shape of settlement. Next is a circular pattern. You know, this is the circular pattern. Circular pattern, it is found on the coastal of ponds and lakes. It can be, it may be a lake. ये झील हो सकती है, filled by water. ये water से भरी हुई हो सकती है। ऑल्सो इट मे बी पॉन्ड, ये तालाब भी हो सकता है। एंड अलॉन्ग द कोस्टल रीजन ऑफ द पॉन्ड्स और लेक सेटलमेंट्स कैन बी सीन। सच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर नॉन सर्कुलर। इसी को हम सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टार लाइक पैटर्न। यू नो वेरी वेल स्टार लाइक, दिस इज द जंक्शन ऑफ मेन सेंटर पॉइंट एंड सो मेनी रूट्स आर जॉइन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में आकर के बहुत सारी रूट्स ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से स्टार शेप पैटर्न बनता है। कौन सा? स्टार शेप। अलोंग साइड ऑफ रोड द कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग एंड सेटलमेंट्स कैन बी सीन अलोंग द रोड। सच टाइप ऑफ पैटर्न इज नॉन स्टार शेप। नेक्स्ट इज टी शेप। ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट इट, टी शेप एंड बाई शेप। ये हमने आपको बता दिया है कि टी शेप कौन सा होता है, बाई शेप कौन सा होता है। नेक्स्ट इज डबल ब्रिज, नंबर फाइव। डबल ब्रिज, व्हाट इज डबल ब्रिज पैटर्न? ये डबल ब्रिज का पैटर्न क्या होता है? सच टाइप ऑफ सेटलमेंट एक्सटेंड ऑन द बोथ साइड ऑफ ए रिवर। इमेजिन दैट दिस इज द रिवर, ये रिवर चैनल है। अलोंग साइड ऑफ रिवर, अलोंग साइड ऑफ रिवर the settlements can be seen. Also somewhere in the world developed countries a canal is passed, canal pass कर दी जाती है और वहाँ पर भी इस तरह का pattern देखने को मिलता है। When any ferry or bridge across from the river, और इसी पर जब कोई ferry और bridge across होता है तो इस तरह का जो pattern बनता है, this is not double, ये double pattern कहा जाता है। ये river की दोनों side settlements होता है। Such type of pattern is known double pattern. So I hope that it is very clear. In the next video we will study problems of rural settlement. Okay, student, thank you so much.